की गई है। रामनवमी के पावन अवसर पर रामलला के भव्य मंदिर में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इस बार रामलला के अभिषेक की तैयारियां जोर शोर से की गई हैं। आज दोपहर में 12 बजे भगवान राम का सूर्य की किरणों से तिलक होगा और इस पल को देखने के लिए लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंचे हुए हैं। रामनवमी को लेकर अयोध्या को सजाया गया है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पूरी तैयारी की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। तो आज रामनवमी को लेकर अलग अलग जगहों पर खास इंतजाम है, लेकिन सबसे ज्यादा खास इंतजाम है अयोध्या में, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जब रामलला की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका है जब रामनवमी आई है और इस रामनवमी को, इस जन्मोत्सव को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी कर ली गई है और इसी तैयारी की एक झलक भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। दुल्हन की तरह सजा दिया गया है अयोध्या नगरी को और अब आज रामनवमी पर जो सूर्य तिलक होगा उसे देखने के लिए लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। श्रद्धालु जिनका उत्साह आज आपको चरम पर दिखाई देगा, रामनवमी की भव्य तैयारी अयोध्या नगरी में की गई है। ये तीन तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देखिए, रामनवमी पर जो उत्सव होगा उससे पहले ये आरती के दौरान की तस्वीर, रामलला के दर्शन होंगे, भक्तों का सैलाब जो पहले से ही उमड़ना शुरू हो गया है क्योंकि रामनवमी है, इसलिए पहले से ही लोगों ने अयोध्या पहुँच कर रामलला के दर्शन करने की तैयारी कर ली है। तो आज जो सूर्य तिलक होगा उसे देखने के लिए लाखों लोग यहां पर पहुंचेंगे और भव्य तैयारी रामनवमी को लेकर की गई है। और ये 3 बजे से शुरू होगा भगवान की पूजा अर्चना, और पूजा भी होती रहेगी, आरती होती रहेगी और खुला भी रहेगा। और इस प्रकार से, लेकिन नए भवन में होने के कारण बहुत ही सुंदर ढंग से वाल आकर्षक और दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में पीले रंग के कपड़े धारण करेंगे और जो भोग है वो 56 प्रकार के भोग लगेंगे, साथ ही साथ जो पंजीरी है 3 प्रकार की वो भी लगेगी, पंचामृत लगेगा और विविध प्रकार के जो यह है फल हैं और मिष्ठान हैं वो सब का भोग लगेगा और सब व्यवस्था हो गई है। और चलिए सीधा रुक करते हैं, निमिष गोस्वामी हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़ चुके हैं, अखिलेश सोनकर चित्रकूट से, नितिन गौतम मथुरा से और किशन जोशी भी हमारे साथ जुड़ेंगे अल्मोड़ा से। तो फिलहाल सबसे पहले आपको अयोध्या ही लिए चलते हैं, निमिष गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमिष, आज को लेकर पहले से तैयारियां चल रही थी अयोध्या में और ये पहला मौका है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनवमी आई है, तो मौका और भी ज्यादा खास हो जाता है। ऐसे में क्या तैयारियां हैं, कितनी बड़ी तादाद में आप वहां पर श्रद्धालुओं को देख पा रहे हैं क्योंकि पहले से ही पहुंचना शुरू हो गए थे, किस तरह का उत्साह दिख रहा है? देखिए, भगवान रामलला भव्य मंदिर में महल विराजमान है। भव्य मंदिर में इस बार दिव्य राम जन्मोत्सव होगा, वो खास भी बहुत होगा, देश और दुनिया के आराध्य का आज जन्मोत्सव है। ऐसे में नए मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहला जन्मोत्सव बेहद खास है। राम जन्मभूमि का मुख्य, ये जन्मभूमि पथ का मुख्य द्वार है और यहीं से श्रद्धालु अंदर जा रहे हैं। आपको बकायदा यहाँ सजावट दिख रही है, भगवान के तमाम कैटलॉग है और इसके साथ ही रामलला की अचल प्रतिमा लगी है। भगवान रामलला जितनी दूर तक, ये कहा जाए जितनी दूर तक अयोध्या है, वहीं से आपको आभास हो जाएगा कि आज आरात का जन्मोत्सव है या कुछ अयोध्या में खास है। जगह जगह कैटलॉग, श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर तमाम व्यवस्थाएं और इसके अलावा सबसे अहम, जय श्री राम के नारे लगाते हुए इस कड़ाके की गर्मी में निकल पड़े राम भक्त, सरयू का स्नान कर रहे हैं, हनुमान गली पर दर्शन पूजन और आराध्य के जन्मोत्सव के मौके पर मंदिर की भव्यता और दिव्यता के साथ साथ भगवान के दीदार, उनका दर्शन, उनका आशीर्वाद, ये सबसे खास है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं और इनसे ही चाहूंगा कि ये कहाँ से आए हैं। जय श्री राम, हम उन्नाव से आए भाई। आज दर्शन पूजन किया? दर्शन पूजा भी हो गया, अच्छे से हो गया। हम लोग सुबह आके 5-6 बजे यहाँ दर्शन हम लोग कर लिया। कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सजावट है, बहुत अच्छा लगा हमको दर्शन करके। आपने दर्शन किया? जी भाई जी, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। सुबह सुबह दर्शन भी हो गए, दर्शन किया 5:30 बजे।
बहुत अच्छा लगा। सजावट कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मंदिर बनवाया। उत्साह है, कितना उत्साहित है? बहुत ही बहुत बहुत ही ज्यादा। बिहार से? कैसी तैयारियाँ है? बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी है। सुविधा भी बढ़िया है, बहुत सुविधा है। और कुछ लिए झोले में क्या? सबको प्रसाद प्रसाद मिला है, सब लोग को प्रसाद मिला है। मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि आज जन्मोत्सव के मौके पर कुछ इस तरीके का प्रसाद अयोध्या आने वाले सभी राम भक्तों को दिया जा रहा है, चाहे वो आम हो या खास हो, जो भी रामलला के दरबार पहुँच रहा है उसको प्रसाद मिला। बहुत प्रसाद के हमने सोचा था कि हम यहाँ आएंगे जन्मोत्सव में प्रसाद, ऐसा कभी नहीं सोचा था। ट्रस्ट की जो व्यवस्थाएं है राम जन्मभूमि के अंदर वो कहते हैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सबको दर्शन हो रहा है, सबको शांति से दर्शन हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ठीक दोपहर 12 बजे भगवान राम का जन्मोत्सव होगा, प्रकाटोत्सव होगा। और इस दरमियान केवल राम जन्मभूमि ही नहीं, रामनगरी के प्रत्येक मठ मंदिरों में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा के साथ भगवान का प्रकाटोत्सव होगा। इस बार का जन्मोत्सव बेहद खास और भव्य है। भगवान अपने जन्म स्थान पर बनाए गए भव्य महल में विराजमान है। ऐसे में देश और दुनिया के राम भक्त भी अयोध्या पहुंचे, जिसको लेकर व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए। अगर हम बात करें सुरक्षा बलों की, तो अयोध्या को एक अभेद किले के तौर पर सुरक्षित किया गया है। साथ ही जगह जगह सुरक्षा बल लगाए गए हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तमाम जो ड्रॉप बैरियर है वो लगाए गए हैं। भगवान राम की नगरी चूंकि आज बेहद भव्य महोत्सव में डूबी रहेगी, ऐसे में लोगों पर नजर रखने के लिए लगभग 450 स्थान ऐसे हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षा बल नजर रख रहे हैं। इसके अलावा रामनगरी में प्रत्येक तरीके के चार पहिया दो पहिया के वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है प्रवेश पर। और सुरक्षा बलों की बात करें तो लगभग 60,000 से ज्यादा सुरक्षा बल इस समय रामलला के भक्तों की सेवार्थ लगाए गए हैं, उनकी सुरक्षा और सेवार्थ। सेवार्थ शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साफ दिशा निर्देश दिया गया है कि कोई भी श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की असुविधा न होने पाए। तो पुलिस मित्र पुलिस के जो चेहरा है वो भी दिखा रही है। जगह जगह रोड पर साजन किए गए हैं, जो सड़कें हैं जिसे आप जन्मभूमि पथ पर आप देख रही है, ये बाकायदा लगभग 850 मीटर सीधे इस पूरा छाजन है। इसके दरमियान जगह जगह करीब 400 से 430 स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था है, निःशुल्क भोजन और प्याऊ की व्यवस्था है। और ये तमाम चीजें जन सहयोग से राम मंदिर ट्रस्ट भी कर रहा है, तमाम जो जन सहयोगी संस्थाएं हैं वो कर रही हैं, और जिला प्रशासन करवा रहा है। फिलहाल रामनगरी का पूरा परिधि एक राममय माहौल में डूब चुकी है। और आज सुबह से ही आराध्य के जन्मोत्सव के मौके पर जय श्री राम उद्घोष जगह जगह सुनाई दे रहे हैं। लगभग 10,000 मठ मंदिर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जय श्री राम के उद्घोष के साथ। और अखिलेश सोनकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चित्रकूट से। अखिलेश, न सिर्फ अयोध्या नगरी में बल्कि देश के कोने कोने में आज रामनवमी को लेकर उत्साह राम भक्तों में दिखाई दे रहा है। चित्रकूट में कैसी है तैयारी, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं? ये देखिए, बता दें कि आज रामनवमी का पर्व है और रामनवमी भगवान श्री राम का जन्म उत्सव का बड़ा ही विशेष ही महत्व है, क्योंकि भगवान श्री राम ने यहाँ अपने वनवास के 11.5 वर्ष बिताए थे, इसलिए उनका राम जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से पूरी धर्मनगरी में मनाया जाता है। इसमें कर रहे हैं कांता मंदिर में, जहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस मंदिर को किस तरीके से फूलों से सजाया गया है और भगवान श्री राम के जन्म उत्सव मनाने की तैयारियां की गई हैं। यहाँ सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और भगवान कांतानाथ के दर्शन पूजन कर रहे हैं। आज राम जन्म उत्सव पर 12 बजते ही सभी मठ मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और हवन पूजन की जाएगी, और शाम होते ही 11 लाख दीपकों से पूरे चित्रकूट के सजाया जाएगा। और मेरे साथ यहां पर मंदिर के पुजारी हैं मदन गोपाल दास जी, उन महाराज जी से बात करते हैं कि क्या महत्व है यहां राम जन्म उत्सव का, क्या तैयारी की है महाराज जी? आज राम जन्म उत्सव तैयारियां हैं, भगवान राम जी का जन्म है चित्रकूट धाम में, बड़े धूमधाम से ही मनाया जाता है। यह कामतानाथ जी का प्रमुख मंदिर है, यहाँ लगभग 9 दिन पूर्व से ही तैयारियां चालू थी। आज रामनवमी का पावन पर्व है, रात्रि भर यहाँ भगवान का श्रृंगार हुआ, साधु संतों के द्वारा यहाँ पर कीर्तन भजन सब कुछ हुआ, और आज सुबह से ही लगातार भीड़ है और शाम को बड़ा दिव्य भव्य आयोजन है, जिसमें 11 लाख दीपक जलेंगे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, और पूरे देश से श्रद्धालु भक्त लोग यहाँ आ रहे हैं। भगवान राम यहाँ वनवासी रूप में यहाँ पर हैं, वनवासी राम यहाँ रहे तो 11.5 वर्षों तक कोल भील किरात साधु संतों के साथ भगवान का जन्मोत्सव यहीं पर मनाते आ रहे हैं कामतगिरी में। और चित्रकूट में
लाखों श्रद्धालु 9 दिन पूर्व से ही आते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं, नवाह पारायण भी करते हैं, यज्ञ भी होता है और नवमी को भव्य दिव्य भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं रामनवमी। अभी तक राम मंदिर का इंतजार था, राम मंदिर का कितना हो गया इस बार, कितना खास है राम जन्मोत्सव? 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है 2024 में, तो प्रथम बार रामनवमी का पावन पर्व है, तो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मना रहे लोगों के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, और जिस तरह की तैयारी की गई है वाकई उत्साह चरम पर है। नितिन गौतम के पास चलते हैं, मथुरा से जुड़े हुए हमारे साथ। मथुरा में किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं नितिन, और कैसी है तैयारी रामनवमी को लेकर? देखिए, अब जो दर्शक है उनको हम बताएंगे कि रामनवमी का पर्व कान्हा की नगरी में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि जो है वहाँ पर विशेष रूप से उत्सव मनाया जाता है। आज क्योंकि रामनवमी है, भगवान राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए आज भगवान कृष्ण जो उनके भक्त यहाँ पर दर्शन करने आएंगे उनको भगवान कृष्ण के दर्शन जो है आज राम के रूप में दिखाई देंगे। तो कहा जा सकता है कि आज का जो पर्व है वो लीलाधारी जो भगवान कृष्ण है आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में नजर आएंगे। आज भगवान कृष्ण बांसुरी को छोड़ेंगे, सुदर्शन चक्र को छोड़ेंगे और धनुष बाण को धारण करेंगे, उसी को देखते हुए आज यहाँ पर जन्मभूमि में बड़े विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं, हम कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं? मेरा नाम विवेक है और मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। तो मैं कुछ काम से पंजाब गया था तो मैं अयोध्या तो पहुँच नहीं पाया, तो ये हुआ तो चलिए मथुरा हो लेते हैं। मथुरा आया तो यहाँ आके पता चला कि श्री कृष्ण जी राम राम का रूप ले रखे हैं और आज बांसुरी छोड़ के धनुष धारे कर रखे हैं। तो इसलिए जैसा अयोध्या सुकून है वैसे यहाँ भी सुकून है, आके ये पता चला कि सेम फीलिंग जैसे वहां थी वैसे यहाँ है। तो देखिए, जो श्रद्धालु हैं लोग अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन अयोध्या के लोग यहाँ पर भगवान कृष्ण की नगरी में मौजूद हैं। कुछ और श्रद्धालु हैं वो आए हुए हैं, उदयपुर से आए हुए हैं। क्या नाम है और आज आप दर्शन करने आए हैं, क्यों आए हैं? मेरा नाम दामिनी सोनी है और हम कृष्ण लला के दर्शन करने आए हैं और आज यहाँ आके पता चला कि कृष्ण भगवान राम का रूप लिए हुए हैं, तो ये हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है। और अब देखते हैं दर्शन करके कैसा लगता है, हमारा अनुभव हम जरूर बताएंगे। आप जो दर्शन करने आए हैं क्या सुनकर आए थे आज, आप जब कृष्ण नगरी में आए हैं तो क्या पता लगा आज रामनवमी है, किस तरीके से उत्सव मनाएंगे? जी सर, हम बच्चा था इस वजह से अयोध्या नहीं जा पाए और हम यहाँ आए, लेकिन 7वें और 8वें अवतार जैसे कि कृष्ण और राम है विष्णु के, तो एक ही है भगवान, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे वो वाला है। तो इसमें राम और कृष्ण हमारे लिए एक ही है और आज रामलला के रूप में भी इनको वो कर रखा है, सजाया गया है, तो इस वजह से हमको बहुत एक्साइटमेंट है इसकी। अभी दर्शन करने हम जा रहे हैं अभी और उसके बाद हम आएंगे दर्शन करके। तो देखिए, जो श्रद्धालु देश के कोने कोने से आए हुए हैं और केवल एक